वज़ीर-ए-आला बोस्टन एक्वी के काबीना के हमरा तरक्याती मनसूबों के अचानक दौरे। बंद रोड पर जेट रात के शिफ्ट गायब। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इजहार बरहमी। निगरान वज़ीर-ए-आला बोस्टन एक्वी का कहना था कि बगैर बताए आया तो अमला ही गायब है, ऐसे नहीं चलेगा। कमिश्नर, इंजीनियर और टीम की नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी बरहम। वज़ीर-ए-आला का चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान को इंक्वायरी करने का हुक्म। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा से 24 घंटे में वजाहत तलब। स्मार्ट लॉकडाउन समेत स्मोक एमरजेंसी सब नाकाम हो चुके। तमाम तर इकदाम के बावजूद आलूदगी के बादल छट न सके। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग का AQI 340 और जोहर टाउन का 390 रिकॉर्ड किया गया। जहरीली स्मोक से हजारों अफराद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचे। 5 रोज में 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासर 4000 से जायद मरीज रिपोर्ट। स्मोक के बाय स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर समेत 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। सिर्फ साइकिलिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान की माशी खुद नसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। नून लीग एक मरतबा फिर सब ठीक कर देगी। जुर्म सखीफी की सजा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान हमारा कीमती असासा है, इन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल।